मालिक साहब इमरान खान साहब कह रहे हैं मार्च अप्रैल में इंतबात होने जा रहे हैं सर ये पेश गोई बहुत बड़ी पेश गोई है जो उन्होंने कर दी है किस बेसिस पे की होगी सर ये पेश गोई जी शुक्रिया मंसूर देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो किस बेसिस पे कह रहे हैं लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं कितनी बार कहते हैं सारा ही गलत कहते हैं कोई एक बात भी दुरुस्त नहीं करते तो मैं नॉर्मली तो उनकी किसी बात पर गौर नहीं करता लेकिन ये एक सितम जरीफी है कि मुझे तो ये इतना इस इस तरह से यकीन है इस बात का कि ये जब इन्होंने 26 तारीख को ये ऐलान किया था वो अपनी लॉन्ग मार्च के ख़ात्मे पर वो हकीक़ी आज़ादी नाम की चीज़ पे कि मैं इसम्बलीज के डिसोल्यूशन पे जाऊंगा तो आई इवन एट एट दैट टाइम आई न्यू दैट मुझे बिल्कुल यकीन था इस बात पर कि ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ एक डिफ्लेक्शन है ये चाहते हैं कि अब मीडिया का रुख इस तरफ हो जाए क्योंकि बात ऐसी है असम्बलीज के टूटने की बात है इसमें वजन है तो वो डिफ्लेक्शन क्रिएट करने में कामयाब हुए और उसके बाद फिर उनको देखे ना कितना बड़ा तजाद है आज वो फवाद कह रहे हैं कि परवेज़ इलाई साहब हमें हमसे वादा कर रहे हैं कि मैं अतमाद का वोट लूंगा और असम्बली तोड़ूंगा और एक तरफ परवेज इलाई हाउस के अंदर अंडरटेकिंग कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दे रहे हैं और अगर एतमाद का वोट लेना था तो कल डिमॉन्स्ट्रेट कर देते इजलास बैठा हुआ था किसी और बहाने से वन एटी सिक्स कर अब इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो पहले भी आपको पता है मैं कोई बात आप कोई ऐसी नहीं कह रहा जो जो टेस्ट नहीं हुई और जो फ्लोर पे टेस्ट नहीं हुई नेशनल असम्बली में इनके 20-25 लोग गए इनकी बैड गवर्नेंस इनकी बैड पॉलिटिक्स की वजह से गए और उसके बाद फिर आ, ये जो थी अपना प्रोविंशल असेंबली इसमें भी इनके बीस पच्चीस लोग इनको छोड़ कर गए अब उसके बाद एक इन्होंने आपको पता है कि एंटी अमेरिकन आप ले लें और आप कहें कि एब्सोलूटली नॉट और फिर कुरानी आयात के हवाले से आप एक कैंपेन बना लें अमरबिल कल्ट क्रिएट कर लें और फिर, ले, फिर सोशल मीडिया पे अरबों रुपए रियासत पाकिस्तान के खर्च करके आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं जो उन्होंने कर लिया लेकिन एक्चुअली ये बात ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी वो एक बिल्कुल ने ऐतराज उठाया आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने राना सनावला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने अदालती फैसले के हवाले से सवाल उठाया कि जी इंटरन रिलीफ देते देते इनको अल्टीमेट रिलीफ जो है वो दे दिया गया अगर आप लोगों का ऐसा कोई इतराज है तो आप लोगों ने तरीके तमाम जमा करवाई थी उसको आपने वापस ले लिया आज आप दोबारा जमा करवा दें आप अगर परवेजलाई साहब को वाकई हटाना चाहते हैं तो नहीं देखें ये दो मुखलिफ बातें हैं एक बात तो ये है कि ये फैसला जो है उसको मनसूख नहीं किया गया मुत्ल किया गया हम ये समझते हैं कि मतली के वक्त अगर वो ये बात कहते कि क्योंकि गवर्नर के अहकाम जो थे वो अहतमान के वोट के लिए थे और वो इन प्रेसिडेंट से आने थे यानी गवर्नर के अहकाम ने पहले जो हुक्मरामा था उसमें था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने डिमॉन्सट्रेट करना है उनके ऊपर है ये कि वो अपने वन एटी सिक्स मेम्बर्स वहाँ पर ले जाएँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में ये मेरी जिम्मेदारी है और हमें ये पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस में पिछली दफा इन्होंने 18 मरतबा स्टॉल किया 18 टाइम्स जो त, तारीख थी जिस तारीख पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हमें अपनी तादाद शो करनी थी उसको परवेज़ लाई साहब और उनकी टीम ने कम से कम 18 टाइम्स डेट के ऊपर डेट देते थे वो उसको सेशन को एडजर्न नहीं होने देते थे फिर उसके बाद उसको रख के मुकर्र करके तारीख को फिर बदल देते थे वो एक लंबी स्टोरी है आप ही सारी उसको कवर करते रहें देखते रहें आपने मुतद उसके ऊपर शोज भी किए होंगे अब मैं मंसूर ये कह रहा हूँ कि आप देखें पोजिशन आपने क्या चेक करनी है कि इमरान खान की जो इस वक्त ये पूरी कैंपेन है कि मैं असम्बलीस को डि करूंगा अब इसमें पंजाब एक इंडिपेंडेंट बात है के पी तो एक अलहदा है ना तो तोड़े के पी के पी तो नहीं तोड़ रहे ये इसके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं या ट्रस्ट मी फॉर दिस अगर ये स्टेटमेंट कल इमरान ने इमरान से पूछे बगैर एक सौ सत्तर रुकन तो इनकी जमात के परवेज अलाई साहब के पास तो सात के आठ रुकन है टोटल अपने सात आठ या दस अब ऐसे किन ले उनमें से कोई एक दो ऐसे भी हैं जो अब इनके नहीं हैं